नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग जुपिटर की स्पेशल दृष्टियों के ऊपर बात कर लेते हैं। शनि की स्पेशल दृष्टियों पे मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, जुपिटर की दो स्पेशल दृष्टियाँ होती हैं, एक पाँचवीं और एक नवीं, माने फिफ्थ एंड नाइन्थ। देखिए, जुपिटर एक ऐसा बेनिफिक प्लैनेट है जो कि अगर आपके चार्ट में मजबूत बैठा है और बाकी कितना भी खराब आपका चार्ट है, लेकिन अगर जुपिटर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे उसमें बैठा हुआ है, उस पर किसी प्रकार का कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो वो एक सफिशियंट है, एक ही प्लैनेट ऐसा कि आपकी पूरी लाइफ को जो है वो बैलेंस करके और आगे बढ़ाने में केपेबल है। तो जुपिटर इतना अच्छा बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन देखिए क्या है कि कुछ ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल दृष्टि दी गई है, उनमें एक बृहस्पति भी है और उसका कारण है। जैसे शनि को दी गई, वो इसलिए दी गई क्योंकि वो हमारे कर्मों को होल्ड करते हैं। बृहस्पति को इसलिए दी गई कि वो हमारे किए हुए पाप और पुण्य जो हैं, जो हमारे पाप और पुण्य हमने किए हैं आज तक अपने इस जीवन में या पिछले जीवन में, उससे मिलने वाले फल, मतलब अगर हमने अच्छे काम किए हैं उससे जो हमें फल मिलेंगे उसके हिसाब से जुपिटर हमारे चार्ट में प्लेस्ड होगा अच्छा। और अगर हमारे को हमारे बुरे कर्म जो हैं उसको भोगना है इस जीवन में, तो जुपिटर चार्ट में एफ्लिक्शन में होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जुपिटर एक लाइफ सेवर, वो आपको बचा के चलता है 50 चीज़ों से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर को नाइन्थ हाउस जो है वो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है। नाइन्थ हाउस क्या है? हमारा भाग्य है। भाग्य किन से बनता है? कर्मों से बनता है। कर्मों का फल देने के लिए शनि है, इसीलिए शनिदेव को भी स्पेशल दृष्टियाँ दी गई हैं। उसी तरीके से बृहस्पति जो हैं वो उससे मिलने वाले सुख या दुख हैं, इसीलिए बृहस्पति को हैप्पीनेस का कारक भी बोला जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति चार्ट में वेल प्लेस नहीं है तो दुख का कारण भी बन जाते हैं कई बार बृहस्पति देव। तो चलिए बिना विलंब हम लोग अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जुपिटर का पांचवा एस्पेक्ट क्या होता है? देखिए, पांचवा घर काल पुरुष कुंडली में किसका होता है? पांचवा घर काल पुरुष कुंडली में संतान का होता है और आपका विद्या जो है उसका होता है, एजुकेशन का होता है। आप देखिए कि बच्चे को आप क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके चलते हैं ना, बच्चे के प्रति आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत केयरिंग एटीट्यूड होता है। इसी तरीके से बृहस्पति से पंचम में जो भी प्लैनेट आएगा या जो भी हाउस आएगा उसके सिग्निफिकेशन को आप उठाइए, पकड़िए और देखिए कि क्या आदमी वाकई उस घर या उस प्लैनेट से जुड़े हुए सिग्निफिकेशंस को लेके इस तरीके से चिंता करता है जैसे कि माता पिता जो है वो संतान की करते हैं। हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर जुपिटर की पांचवी दृष्टि जो है वो चंद्रमा पे आ रही है, तो आप उस कंडीशन में देखिए कि वो अपनी माता के प्रति जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अब आपने अगर उसकी माता के लिए कुछ भी, भले ही वो बच्चा हो उस समय पे, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत बात बोली तो वो बच्चा तुरंत जो है वो आपसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। मतलब वो जो एटीट्यूड होता है उसका एज के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे आप ऐसा फील करते हो कि मैं इनके लिए ज़िम्मेदार हूँ, मुझे उनकी देखभाल करनी है। तो ऐसे नेटिव जिनकी चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ती है, वो अपनी माता को इस तरीके से उनका टेक केयर करते हैं जैसे कि वो उनके खुद की संतान है। वो अपनी माता से लड़ेंगे, उनको डांटेंगे भी, समझाएंगे भी और प्यार भी करेंगे। इसी तरीके से सपोज़ कर लीजिए किसी का बृहस्पति जो है वो नवम भाव में है, इसीलिए नवम भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा काउंट नहीं करते, जबकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। उसका कारण क्या है? पहली बात तो वो अपने नीच के साइन की तरफ बढ़ रहा है, कैप्रिकॉर्न की तरफ। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो नवम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति है वो लग्न को देखता है, लग्न को देखता है, लग्न को शुभता तो प्रदान करता है, लेकिन जो लग्न है वो आप स्वयं हैं, तो अपनी खुद की नज़र में वो आदमी कभी बड़ा हो ही नहीं पाता। उसको लगता है कि अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, मतलब पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब वो जो है वो कन्फ्यूजन मोड में रहता है और खुद को बच्चे की तरह ट्रीट करता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब अब उसका
अपने प्रति जो रवैया है वो इस तरीके का है जैसे कि वो स्वयं जो है वो बालक हो। इसी तरीके से हम बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके सिग्निफिकेशन को भी ले लेंगे, जैसे मार्स हो गया तो अपने फ्रेंड्स, अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए जो है, छोटे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उनके लिए लड़ने के लिए जो है वो खड़ा हो जाएगा अगर उनके ऊपर बात आएगी। या सपोज कर लीजिए जुपिटर जो है, जुपिटर 12th हाउस में है और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जो है 4th हाउस में आ रहा है, तो आप ऐसे लोगों के घर, गाड़ी या देश के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं तो ये लोग आपसे जो है लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मतलब आपने इनकी कमज़ोर जो नस है उसको दबा दिया है। आप ये समझ लीजिए कि जुपिटर की 5वीं दृष्टि जहाँ भी जाती है वो आदमी की कमज़ोर नस होती है, जिसको दबाने पे आदमी तुरंत ट्रिगर हो जाता है, मतलब तुरंत अभी नॉर्मल बैठा है और तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सपोज कर लीजिए सैटर्न के ऊपर जो है अगर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आती है, उस कंडीशन में क्या है, आप अपने बड़े भाई को, अपने सर्वेंट्स को, आपके नीचे जो स्टाफ काम करता है उनको, आप उनके आगे उनकी ढाल बन के खड़े रहेंगे कि उनको कुछ मत बोलो, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप आके मुझसे बात करो। तो इस तरीके का एटीट्यूड जो है वो जुपिटर देता है अगर सैटर्न जो है उनको एस्पेक्ट करे जुपिटर। तो या मान लीजिए मरकरी हो, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट मरकरी पे आ रहा है, तो छोटे बच्चों को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं, अपनी बहन को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं, या जो है स्कूल को लेके आप पॉजिटिव हो सकते हैं कि मेरे स्कूल के बारे में आप कुछ मत बोलिए, मेरे जो है फ्रेंड सर्कल जो है उसके बारे में आप कुछ मत बोलिए, मेरे नाम का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि मरकरी आपका नाम भी होता है। तो ये चीज़ें इंसान जो है उसको ट्रिगर कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कोई और प्लैनेट, सपोज मान लीजिए राहु आ गए जुपिटर से 5वें में, अगर राहु आ गए उस कंडीशन में क्या है कि राहु क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा दादी साइड हो गई आपकी, जो दादा का साइड होता है दादाजी का वो राहु। तो ऐसे लोग जो है अगर आप उनके लीनिएज के बारे में क्वेश्चन उठाएं कि हाँ आपका जो है वो खानदान के ऊपर कोई कुछ बोले, तो आदमी जो है वो तुरंत एग्रेसिव मोड में लग जाता है, तुरंत जो है उसकी रक्षा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाहर आ जाती है कि भाई आपने मेरे फैमिली लीनिएज के बारे में ऐसा कैसे बोला। या कुछ लोग आपने देखे होंगे जैसे टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ हैं, जैसे आगरा वगैरह, जयपुर, वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं तो जैसे कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो कुछ लोग आगे आते हैं ना कि भाई बाहर से आए हैं, हमारे देश का नाम खराब होगा, आप लोग क्यों इनको परेशान कर रहे हो। तो ये वही लोग हैं जिनका जुपिटर से 5वें में राहु होता है कि जब फॉरेनर्स को या जो यहाँ की नेशनैलिटी नहीं रखते हैं उन लोगों को कोई तंग करे तो भी ये लोग उनकी सुरक्षा में आगे आके खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम केतु की बात कर लें तो आपके नाना की फैमिली हो गई, आपका ननिहाल साइड हो गया, तो इनके ननिहाल के बारे में आप कुछ बोल के देखिए, उसके बाद आप देखिए कि ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। या आप अकल्ट के बारे में या गूढ़ विषयों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इनके बारे में आप इनके सामने जो है मजाक उड़ा के देखिए, उसके बाद ये लोग आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं जुपिटर की 5वीं दृष्टि का असर। अब ऐसे ही आप देख लीजिए, अगर सन है तो फादर हो गए, या वीनस है तो आपकी वाइफ हो गई। तो ये था 5वीं दृष्टि का एक स्पेशल जो हम कह सकते हैं कि गुण, मतलब यहाँ पे ये आदमी का जो है सबसे वीक पॉइंट होता है, जिसको कि दबाने से क्या है कि तुरंत जो है वो एग्रेसिव मूड में आ जाता है, प्रोटेक्टिव मूड में आ जाता है कि मुझे इनको डिफेंड करना है, भले ही उन लोगों ने कहा हो या नहीं कहा हो। भले ही अगर आपका जुपिटर से 5वें में मार्स है, आपका भाई जो है वो बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छी बॉडी उसकी जो है, बॉडी बिल्ड उसकी बहुत अच्छी है, तो वो आपसे नहीं कह रहा है कि आप आके मेरे लिए लड़ो, लेकिन अगर कोई आपको आपके भाई के लिए बोलेगा, आप बिना कुछ उनसे कहे पूछे सुने आप पहले ही लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे। तो आई होप ये वीडियो जो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा होगा तो लाइक बटन को और सब्सक्राइब जो बटन है उसको आप हिट कर दीजिए। और इसी तरीके से हम अगली वीडियो में जुपिटर की नवी दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपनी कुंडलियों में, अपने जान पहचान वालों की कुंडलियों में इस सूत्र को लगा के देखिए, और जैसा भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।